नमस्कार, मैं महिमा किराडू आदर्श विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ माउंट आबू से। बच्चों आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे नया लोक गीत, जो आपका 14वां चैप्टर है। अब लोक गीत ये जो है ये चैप्टर आपका एक निबंध शैली में लिखा गया है और इसके लेखक है भगवती शरण उपाध्याय। तो भगवती शरण उपाध्याय ने इस निबंध को लिखा है, इसको हम दो भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों लोक गीत क्या होता है। लोक गीत का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत, लोक गीत कहलाते हैं। लेकिन ये जो गीत होते हैं ये बच्चों अपनी ही भाषा में गाए जाते हैं, यानी स्थानीय भाषा में जिसको हम बोली कहते हैं उसी में गाए जाते हैं। और इन गीतों की क्या विशेषता होती है कि ये जो गीत गाए जाते हैं इनके लिए आपको किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार से हमें शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको शिक्षित होना पड़ता है, आपको वो सीखना पड़ता है उसके लिए। लेकिन लोकगीत ऐसे हैं जो हमारे परंपरागत गीत होते हैं और वहां हमें स्थानीय अपने आप आ जाते हैं, यानी परंपरागत रूपों में हम इनको विरासत के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले लोकगीत शब्द का क्या अर्थ होता है, जो मैंने आपको बताया लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत लोकगीत, लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत लोकगीत। अब इसको हम लोग परिभाषित करते हैं तो किस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि लोकगीत वे गीत है जो अपनी ही भाषा में निर्मित होते हैं और आम जन द्वारा गाए जाते हैं, विशेष अवसरों और त्योहारों पर ही गाए जाते हैं। यानी लोकगीत जो है वो आम जन द्वारा अपनी ही भाषा में गाए जाते हैं। और कब गाए जाते हैं, विशेष अवसर होते हैं या त्योहार होते हैं। विशेष अवसर यानी किसी की शादी ब्याह के अवसर पर गाए जाते हैं, और त्योहार जैसे होली है, दीपावली है, बहुत सारे रक्षाबंधन के भाई बहन के भी लोकगीत होते हैं, तो बहुत सारे अवसरों पर गीत गाए जाते हैं। इन गीतों की क्या क्या विशेषताएं होती है, देखिए इन गीतों की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आम जन के गीत हैं, आम जन यानी साधारण लोगों से जुड़े हुए गीत हैं। तो इन गीतों में जो विषय होते हैं वो आम जन की जीवनचर्या से संबंधित होते हैं। दूसरा, आम जन द्वारा अपनी ही बोली में गाए जाते हैं, यानी उनकी खुद की स्थानीय भाषा के ही वो गीत होते हैं। तीसरा क्या है, इनके लिए किसी भी शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, यानी हमें किसी स्कूल किसी अध्यापक से इनको सीखना नहीं होता। ये एक साथ समूह में भी गाए जाते हैं और इनको सिंगल भी यानी व्यक्तिगत रूप से भी गाया जा सकता है। ये बिना वाद्य यंत्रों के भी गाए जाते हैं। ये गीत ऐसे होते हैं जो केवल आपकी करताल यानी ताली की लय के साथ भी इनको गा सकते हैं। लेकिन अगर इनके साथ आप वाद्य यंत्रों का उपयोग करते हैं तो भी हमें सामान्य वाद्य यंत्रों की आवश्यकता होती है, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप करताल है, सामान्य ढोलक होती है, बांसुरी है, झांझ है, इन सब का उपयोग करके इन गीतों को गाया जा सकता है। लेकिन बच्चों आज के समय में यानी आज के समय से थोड़ा पहले इन गीतों को क्या समझा जाता था, शास्त्रीय संगीत की तुलना में इन गीतों को निम्न आंका जाता था। क्यों निम्न आंका जाता था, क्योंकि ये स्थानीय भाषा से संबंधित होते हैं यानी स्थानीय बोली के आधार पर निर्मित होते हैं, इसलिए इनको निम्न समझा जाता था। परंतु जैसे जैसे विकास हुआ आधुनिक समय में तो इन गीतों का एक क्या बनाया गया, एक प्रारूप बनाया गया। जो महान शिक्षाविद लोग हैं उन लोगों ने साहित्य को बढ़ाने के लिए और इन गीतों को बचाए रखने के लिए क्या किया, इनको एक पुस्तकों के रूप में शुरू किया, इनके बारे में खोजबीन शुरू की, जिससे इन गीतों का महत्व बढ़ गया। अब ये गीत अलग अलग जगह पे गाए जाते हैं। अगर ये पहाड़ी इलाकों में गाए जाते हैं तो ये पहाड़ी लोकगीत कहलाते हैं। अगर ये आदिवासियों के द्वारा गाए जाते हैं यानी उनके गीत है तो ये आदिवासी लोकगीत कहलाते हैं। गाँव में गाए जाने वाले जो गीत होते हैं वही वास्तविक लोकगीत कहलाते हैं। इसके अलावा ये गाँव में गाए जाते हैं, पहाड़ी लोगों द्वारा, आदिवासी लोगों के द्वारा, अलग अलग जगह पे अलग अलग अपनी भाषाओं के द्वारा गाए जाते हैं। यानी इनके प्रकार भी अलग अलग होते हैं, यानी लोकगीतों के प्रकार भी बहुत सारे हैं। हम बात करते हैं अगर गुजरात की, तो गुजरात में जो लोकगीत है वो है गरबा, जो कि क्या है, जो कि आप नृत्य के साथ में उसको प्रयोग किया जाता है। यानी लोकगीत में आदमी और औरतें दोनों का ग्रुप होता है और कहीं कहीं सिंगल औरतें भी होती हैं, कहीं कहीं सिंगल आदमी भी होते हैं और इन गीतों को गाते हैं और अपने मनोरंजन को करते हैं और अवसरों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, अवसरों में अपने आप को आनंदित करते हैं, उल्लासित करते हैं। तो इस प्रकार से ये लोकगीत होते हैं। आगे वाले चैप्टर 30 भाग में हम पढ़ेंगे लोकगीत के प्रकार और लोकगीतों के अंदर जो
क्या कहते हैं, प्रसिद्ध लोकगीत है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।